हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के, और एक्सेल में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्सेल में अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिखें ए, और आप ये अगर सोचते हैं कि यहाँ पर ए लिख करके इसको ड्रैग करवा दें तो बी सी डी अपने आप आता चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या करें, तो फिर यहाँ ए लिखते हैं, फिर यहाँ बी लिखते हैं, अब इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करने से शायद आ जाए। तो यहां पर आप देखेंगे कि ए बी ऐसे करके आता चला जा रहा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। यहां पे कैर फॉर्मूला लगाइए और ये आस्की कोड आपको निकाल के देता है। आप यहां पे क्या करना है, यहां पे रो का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, और यहां पर क्या लिखना है आपको, यहां पर लिखना है ए 65। अब चूंकि ए कॉलम है तो इसीलिए ए लिख रहा हूं, ठीक है, और ये लिख करके इन दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो यहां ए आ जाएगा, और अब अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे ए बी सी डी पूरा आता चला जाएगा। ये बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। देखिए तरीके तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे है जिसके थ्रू आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी।